जो बेचारे क्राइम ब्रांच के अफसर आए, हमें उन बेचारों पे के दया ही आती है। दया इसलिए आती है कि जब पुलिस में आए होंगे, प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर बने होंगे, एसीपी बने होंगे, तो तब सोचा होगा कि पुलिस में आके देश की सेवा करेंगे, तब सोचा होगा महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, तब सोचा होगा देशवासियों के लिए कुछ करेंगे। लेकिन आज उन बेचारों को टीवी की एक प्राइम टाइम नौटंकी बना के छोड़ दिया है उनके राजनीतिक आकाओं ने। जब वो बेचारे दिल्ली पुलिस वाले, क्राइम ब्रांच वाले बार बार कहते हैं, कल जैस्मिन जी की उनसे सीएम रेजिडेंस के सामने कुछ बातचीत हुई नोटिस को लेके, तो कहते हैं नहीं 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 हम मीडिया के सामने नहीं बात कर सकते, हम मीडिया के सामने नहीं बात कर सकते, अंदर आओ, हम मीडिया के सामने नहीं बात कर सकते। तो पूरे दिल्ली में, पूरे देश में क्या मैसेज जाता है? मैसेज जाता है कि दिल्ली पुलिस वाले डरपोक हैं, दिल्ली पुलिस वाले कायर हैं। ये कितने दुख की बात है कि दिल्ली पुलिस के जाबाज सिपाहियों की इमेज आज एक डरपोक इंसान, एक कायर की कर दी गई है, जो मीडिया के सामने बातचीत भी नहीं कर सकता। आप ये सोचिए कि दिल्ली के क्रिमिनल्स क्या सोचेंगे कि भाई इन दिल्ली पुलिस वालों से डरना जो दो चार कैमरामैन से डरते हैं। कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री डाक के डेस्क पे बैठ के चिट्ठी रिसीव करने के लिए नहीं बैठा। लेकिन जो कल हुआ वो उन पुलिस वालों की गलती नहीं है, उनके राजनीतिक आका हैं जो हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो वो हमसे पूछना चाहते हैं कि आखिरकार किसने आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर दिया। तो मैं दिल्ली पुलिस के राजनीतिक आकाओं को बताना चाहती हूं कि आपको इतनी नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सवालों का जवाब दूंगी कि आखिरकार किसने आम आदमी पार्टी के विधायकों को करोड़ों रुपए के ऑफर दिए। वही लोग हैं जिन्होंने 2016 में उत्तराखंड में 9 कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में शामिल किया था, जिन लोगों ने उन 9 कांग्रेस